नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं चिकन लेग पीस का पकौड़ा। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हमने देखिए दो लेग पीस लिया है। अब इसको बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे नींबू आधा, ये है रिफाइंड तेल, ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च, यहाँ है कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, यहाँ पे हमने एक अंडा ले लिया है फोड़ के, यहाँ नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, इधर हमारा है मैदा 1.5 चम्मच, 2 चम्मच है अरारोट पाउडर। अब इन सबको हम इसमें मिलाएंगे एक एक करके। इसे हम मिला लेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बनाएंगे हम आज बिल्कुल क्रिस्पी बाजार जैसे। नमक डाल देंगे इसमें हम स्वाद अनुसार। सबको मिला लेते हैं मसाले को। मसाले को मिला के हम 2 मिनट छोड़ देंगे, इसको मसाला सेट हो जाएगा, बाकी का प्रोसेस बाद में करते हैं। देखिए दोस्तों 2 मिनट हो गया, हमारा मसाला सेट हो गया, बाकी का भी हम मिला लेते हैं। यहाँ पे हम तेल को मिलाएंगे। इधर हमने जो लिया था अरारोट पाउडर और मैदा, उसके भी मिला लेंगे हम। ये है अंडा, यहाँ पे हम थोड़ा सा फूड कलर लेंगे ताकि बाजार जैसा कलर आ जाए। इसे हम अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। इस तरीके से हमें मिला लेना है अच्छे से। इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे ताकि ये सब भी सेट हो जाए, फिर हम इसको तलेंगे। ये देखिए, देखिए दोस्तों हमारा सेट हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए हमें, धीमी आंच में ही पकाना है हमको। चलिए इसको हम डाल देते हैं इसमें। बिल्कुल धीमी आंच में ही पकाना है ताकि नीचे तक अच्छे से पक जाए। ये देखिए इसे धीमी आंच में ही पकाएंगे। देखिए दोस्तों हमारा एक तरफ से हो गया है, इसे हम धीरे से पलट देंगे। इधर से भी हम धीमी आंच में पका लेंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों हमारा पक चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे गैस को बंद करके। देखिए हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। इस तरीके से एक बार जरूर बनाइएगा, आप भी ट्राई करिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।